कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। इसके अलावा लोग सड़कों पर बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। देखिए कोलकाता से हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मुख्य सचिव ने सभी राजनीतिक दलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दे रखा है। जहां राज्य में 24 घंटे में 368 लोग संक्रमित हुए, जिसमें 2 की मौत हुई। वहीं देश भर में फिर से कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वैक्सीनेशन की गाइडलाइन में बदलाव किया गया। अब 1 अप्रैल से 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही अब तक कोरोना के वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए 28 दिन की मियाद तय की गई थी, लेकिन अब वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद 6 से 8 सप्ताह के बाद दूसरी डोज ले सकेंगे। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए संक्रमित इलाकों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्देश दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। अब देखना यह है कि चुनावी दंगल में नेतागण लोगों का जमावड़ा कर रैलियां निकाल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल का पालन हो पाएगा? क्या राज्य की जनता बढ़ते कोरोना के संक्रमण से खुद को नियमित ढंग से प्रशासन द्वारा दिए गए हिदायत का पालन करती है? राज्य में बढ़ते कोरोना के खतरे से प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जहां लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलकाता मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू बैनर्जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को क्या हिदायत देती हैं। देखिए, इस कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है का मतलब होता है हम एक बार इस घटना से गुजर चुके हैं। अभी जो हालात हम देख रहे हैं बाकी स्टेट्स में और वेस्ट बंगाल में भी पेशेंट्स की संख्या फिर से बढ़ रही है। तो सेकेंड वेव बोलें या थर्ड वेव बोलें, बीमारी अभी तक अपने देश से गई नहीं है। तो जो पिछले एक साल में बार बार बोला जा रहा है या बार बार सिखाया जा रहा है, उन चीजों पर हमको अभी भी अटल रहना है। तो ये इलेक्शन तो खैर अपनी जगह पर है, वो सरकार की जरूरत है। रैलियां भी सरकार की जरूरतों के हिसाब से हो रही हैं। तो डिस्टेंस कितना बनाए रखेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ एज डॉक्टर यही रिक्वेस्ट करती जाती हूँ या यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोशिश यही कीजिए कि मास्क पहने रहें सभी, और अननेसेसरी मतलब भीड़ जिसको बोलते हैं मतलब दौड़ना, एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया, ये वाली चीजें अवॉइड की जा सकती हैं, जितनी भी उतनी अवॉइड करने की कोशिश करें। कोरोना बढ़ रहा है, आप मास्क नहीं पहने हैं। अरे मास्क है मैडम इधर, तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग दो मिनट के लिए। अरे कितना आदमी मास्क नहीं पहना, आप देखो ना अगर वहाँ पे, तो देखो मास्क पहना नहीं है फिर। नहीं कोई बात नहीं, अभी देखो अभी कितने लोग मास्क नहीं पहना है। ठीक है मैं पहन लेता हूँ, और क्या है। अच्छा अच्छा, यही तो मास्क है तो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं तो जिम्मेदारी है। नहीं नहीं बात सही। हाँ ठीक है जी, ये मेरी गलती हुई है, मैं मास्क से यूज करूंगा जरूर जी। मैंने मास्क अभी फेंक दिया बाहर। देखा गया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों में अभी भी लापरवाही है। लोग अभी भी काफी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। कुछ लोगों में चेतनाएं जगी है, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी सावधानी की कमी है। कैमरामैन प्रीतम के साथ सुमन मिश्रा, लाइव 7 कोलकाता।